हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मेरे नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज इस ब्लॉग में काफ़ी आपको मज़ा आएगा गाइस। और मैं जिस होटल में आ गया हूँ अभी तक, ग्रांड हिल हो गया, अहमदाबाद का सबसे बड़ा होटल होने वाला है गाइस, ये जो ताज होटल के टक्कर में बराबर में है, ताज। और तो गाइस, ये जो होटल है ताज और रमाड़ा ग्रुप एक है, और उसके बाजू में ये हमारा होटल है इलोगिया। तो काफ़ी अच्छे सेफ हैं इस होटल में गाइस, और जो उनके हाथों का फूड है वो अभी से यहाँ पे फूड टेस्टिंग के लिए आने लग गया, और हम लोग हर फूड को टेस्ट कर रहे हैं और किस टाइप का है, हर स्टाफ को टेस्ट कराया जा रहा है। और काफ़ी अच्छे सेफ है, आउट ऑफ कंट्री के यहाँ पर सेफ है गाइस। तो गाइस, यहाँ पर आइए, सेफ के हाथ का फूड आप ज़रूर खा के जाइए, काफ़ी मज़ा आएगा। गार्निश से लेकर टेस्ट से वेरी वेरी VVIP फूड है गाइस, बहुत मज़ा आएगा, आइए। और गाइस, ये चलो ब्लॉग काफ़ी लंबा होगा तो मैं आपको टाइम ना बर्बाद करते हुए ब्लॉग शुरू करता हूँ। एक एक फूड के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा कैसा यहाँ पे फूड अभी ट्रायल हो रहा है गाइस। तो आज कोई ब्लॉग नहीं था, तो मैंने स्पेशली ये फूड ब्लॉग ही बनाया, द ग्रांड इलोगिया होटल, जो गाइस अभी। तो गाइस, नॉर्मली पार्टी और छोटी छोटी पार्टियां और पूजा तो इस होटल में अभी स्टार्ट हो गई है, और वैसे ग्रांड ओपनिंग है गाइस इसकी 1 नवंबर को गाइस। तो काफ़ी मज़ा आएगा गाइस, तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहना, और काफ़ी आपको अच्छा अच्छा चीज़ इसमें देखने को सीखने को मिलेगा फूड के बारे में, अच्छा अच्छा फूड, बिल्कुल इसमें 5-स्टार कैटेगरी का फूड है इस होटल में गाइस। तो काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है ब्लॉगों में गाइस, तो आप बताइए किस तरह का फूड, और वो आपको जानना है तो मैं आपको बताऊंगा गाइस। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को, टाइम ना बर्बाद करते हुए गाइस चलो निकलते हैं आगे। रेडी हो गया है फूड, और दिखाते हैं किस तरीके से फूड का प्रेजेंटेशन है और कैसा फूड है यहाँ का। चलो गाइस, बाय। तो दोस्तों, ये है नूरानी कॉर्न पालक, ग्रांड इलोगिया की बेस्ट ऑफ बेस्ट मेन कोर्स डिश में से एक डिश ये भी है गाइस, नूरानी कॉर्न पालक। और दोस्तों, ये है बटर नान,
और लच्छा पराठा और वेज की सब्ज़ी है इसमें एक, और एक पनीर की सब्ज़ी गाइस, पनीर मखमली कबाब ऐसा ही कुछ नाम था, या कढ़ाई पनीर इसी टाइप का नाम था। ये देख सकते हैं आप ब्रेड बास्केट, इसमें मिस्सी रोटी, बटर नान और पनीर मखमली कबाब और वेज हांडी, काफ़ी अच्छा है गाइस, वो देख सकते हैं। तो एक गाइस ये है तंदूरी स्मोकी माउंटेन चीज बिट, कुछ इसी टाइप का स्टार्टर का नाम बोल रहे थे सेफ। यह ग्रांड ही लोग या बेस्ट पनीर की सब्जी गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी है, मैंने खा के टेस्ट करी, एक नंबर टेस्ट है गाइस। तो गाइस ये है तंदूरी शाही ग्रिल, तो गाइस ये तंदूरी मैजिक कुछ इस टाइप का स्टार्टर है, तंदूरी मैजिक मशरूम है ये स्टार्टर है, और काफ़ी टेस्टी है, देखिए गाइस देखने में भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस ये ग्रानी लोग का बेस्ट ऑफ बेस्ट नाचोस है, देखिए गाइस नाचोस, और इसके सॉसेस है नाचोस के, देखिए गाइस काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, देखिए गाइस, और टेस्ट वाइज भी एक नंबर है गाइस। तो ये हुमस सॉस है गाइस, देखिए हुमस सॉसेस है, और ये ब्रेड है साथ में इसके गाइस, हुमस सॉस काफ़ी डिफरेंट टाइप के, काफ़ी
अच्छे। और सॉस देखिए गाइस, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर सॉसेस हैं और ब्रेड है साथ में इसके। ये भी काफ़ी ग्रांड हो गया, बेस्ट स्टार्टर है गाइस। देखिए आइए टेस्ट कीजिए। तो दोस्तों ये है तंदूरी मस्टर्ड ब्रोकली। ये गाइस तंदूरी मलाई कबाब है, मलाई मशरूम कबाब इस टाइप का कुछ नाम है। और काफ़ी देखिए आपके सामने प्रेजेंट है, कुछ इस टाइप का प्रेजेंटेशन है इसका। देखिए तो दोस्तों ये है पेस्तो पनीर, देखिए इसका नाम है पेस्तो पनीर, ग्रांड यूरोपिया का पेस्तो पनीर। तो दोस्तों अब तो रहा नहीं जा रहा, नाचोस में हम टूट पड़ते हैं। नाचोस टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। देखो सपा चाट, तो दोस्तों ये आपका है जाना माना टाकोस जो आप खाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉसों के साथ सर्व किया गया है। देखिए गाइस तो कैसा लगा आपको बताइए।
तो गाइस देख सकते हैं ये मैक्सिकन का केसीडिला, केसीडिया आपने खाया ही होगा, जिसने खाया नहीं तो देख लीजिए मैक्सिकन से आता है मैक्सिकन और केसीडिया काफ़ी टेस्टी होता है। देख लीजिए इसके तीन टाइप के सॉस गाइस। तो दोस्तों अब आई सूप की बारी। तो इसमें है रोस्टेड टमाटो बेसिल सूप और इसमें है ब्रोकली एंड चीज सूप और इसमें है एक स्पाइसी सूप, जैसे कि आप जानते ही हैं गाइस स्पाइसी कौन सा, इसका नाम मैक्सिकन टोटीला सूप। तो ये काफ़ी स्पाइसी सूप है गाइस, जिसने पिया पता ही है उसको, जिसने नहीं पता है जिसको नहीं पता है वो सुन लीजिए। और ये वेज सूप है और एक इसमें जापानी सूप है गाइस। ये थे सारे आज के ग्रैंड इलो के बेस्ट ऑफ बेस्ट फूड गाइस, ये टोटीला सूप गाइस, मैक्सिकन टोटीला जो बोला जाता है गाइस वो यही वाला सूप है। हेलो गाइस, तो आई होप आपको ये फूड अच्छा लगा होगा, ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। द ग्रैंड इलोगिया होटल ताज और ग्रैंड इलोगिया की अभी यहाँ पर टक्कर है बराबर की गाइस। तो काफ़ी अच्छा फूड है यहाँ पर, सेम ताज से कंपेयर किया गया है और काफ़ी अच्छे से अच्छे सेफ है गाइस यहाँ पर। तो उनके हाथों का फूड आपने देखा ही और मेरे को रिव्यू देके ज़रूर बताइए, पूछिए कि ये कौन सी चीज़ है, तो मैं स्पेशली आपको बताऊँगा गाइस। तो ये चीज़ है और आपको आशा करता हूँ अच्छा ही लगा होगा ये ब्लॉग गाइस। और तो अभी तो गाइस और स्टार्टिंग है इसका फूड टेस्टिंग का, अभी सारा फूड नहीं बनाया सेफ ने, थोड़ा थोड़ा करके सेफ ये फूड बनाते रहेंगे, आते रहेगा। एक ही दिन में गाइस सब ना हम सीख पाते ना आपको बता पाते एक्सप्लेन करके, ना कोई भी नहीं बता पाता गाइस। तो सारा ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वन पार्ट टू पार्ट करके आपको ये फूड का भी मैं पूरा जितना भी हमारे इस होटल का फूड है मैं सभी आपको बताऊँगा गाइस, और आपको भी मज़ा आएगा, मेरे को भी आपको बताने में काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। तो गाइस अभी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं काफ़ी और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। और अभी हम थक चुके हैं, आप देख ही रहोगे हालत, सुबह से शाम तक काम तो अभी कुछ भी नहीं है, इधर से उधर सेटअप ये वो, यहाँ पर 4 से 5 हमारे अच्छे से अच्छे बैंकेट है गाइस, अच्छे अच्छे बैंकेट है, 2 से 3 रेस्टोरेंट है गाइस। और आइए यहाँ पर ये सिद्धू भवन रोड में वीवीआईपी एरिया है जो यहाँ पर ताज होटल के बाजू में, ये हमारा द ग्रैंड इलोगिया होटल है गाइस। चलो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया, मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, फिर आएंगे नेक्स्ट फूड ब्लॉग के साथ।